जब इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने, जो कर लिया अब देखें यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है, इंडिया आगे रोज़ बा रोज़ बढ़ रहा है, अब दुनिया देखती है कि रोज़ क्या नया से नया आ रहा है, तो इस चीज़ में इंडिया इस वजह से उनको एक टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज़ रोज़ अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है, आईटी में कर रहा है, कुछ गाड़ियों में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो रहा है। हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स के आईटीज के हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखते हैं ना कि जब भी हमारे कोई लेक्चर वगैरह चाहिए तो कोई काम आ रहा है तो हम इंटरनेट पर देखते हैं, सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं और वो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो उनके वहाँ के कॉलेज लेवल के स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जो हम यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं। सर पाकिस्तान में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडियन प्रोफेसर की बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, इंडियन प्रोफेसर हम आज ही हम एक पढ़ के आ रहे हैं, हमें एक नई बुक साइन हुई है, नया सेमेस्टर शुरू हुआ है तो वहाँ पे भी हमें इंडियन प्रोफेसर की बुक है। अगर इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, उनके देखिए कुछ मामलात ख़राब भी हैं, जैसे कि कश्मीर का है मामलात उनके है, उनके अपने मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो बहुत है, ये एक ये हमें एज ए मुस्लिम हमें बड़े इरीटेट करते हैं ये वाक़ात, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही नहीं समझा जाता इन चीज़ों को। इंडिया डिजर्व करता है, अब डिजर्व करता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सोच के एज ए पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम हम नहीं उनको हम ये चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बनेंगे। ऐसे पाकिस्तानी तो मुझे बहुत चुभन होगी वैसे तो, कि हमारा साथ ही अलग होने वाला मुल्क, हमारे वो भी बहन भाई हैं, नहीं हमारे जैसे ही हैं, हम भी वहीं से हैं एक किस्म के, सब लोग एक जैसे ही हैं वहाँ पे भी, तो वो लोग इतना आगे जा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, उनमें है तो सही ना, उनमें कोई ऐसी आइडियोलॉजी है, वो किस आइडियोलॉजी पे चाह रहे हैं हमें पहले वो देखना है हमने कि वो किस आइडियोलॉजी पे चाह रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक हमने भी अपने आप को देखना, ये चीज़ नहीं होती कि कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको खींच के नीचे लाना है, हमने खुद उसको देखना है वो किस चीज़ से ऊपर जा रहा है तो हमने उसके साथ ही ऊपर जाना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्रिटेन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि दी ग्रेट ब्रिटेन अब दी ग्रेट नहीं रहा, लिहाजा ये सीट अब इंडिया डिजर्व करता है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा पावरफुल मुल्क बन चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तनवीर। तनवीर क्या करते हैं आप? मैं काम वाम करते हूँ, गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा तनवीर क्या कहेंगे, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और ये जो ओहदा है ये अब इंडिया डिजर्व करता है। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया, अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और नुकसान होने के चांसेस हैं? देखिए पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा, अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है, देखिए यूके जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडिया अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाया है उसने, बहुत ज़्यादा इस तरह के काम किए हैं जो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं कर सका, जैसे कि मीन्स है कि उनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा तगड़ा हो गया है, फिर उन्होंने सोलर पैनल बहुत बड़ा लगा लिया जो चांद से भी नज़र आता है, ठीक है, फिर उनका सबसे ज़्यादा जो मेन जो सबसे ज़्यादा है उनका बॉलीवुड है, उससे इतना पैसा जनरेट वो करते हैं ना कि उनके समझे कि 50% बजट का पैसा वहीं से आता है और लोग उनको देखना चाहते हैं। देखिए इंडिया की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, तो असल मेन ये है कि अब दुनिया मानना शुरू हो गया कि भाई इंडिया बहुत चीज़ों में आगे चला गया। और कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, कोई भी उनका स्टार्टअप, कोई आईटी का निज़ाम, इंडिया की गाड़ियों का आप निज़ाम उठा के देख लें, उनकी फैक्ट्रीज देख लें, वो तीसरे चौथे या पाँचवें नंबर पर हैं। देखिए उनके अगर अंदरूनी मामला देखे जाए ना तो वो कोई इतने खास नहीं है, पाकिस्तान से भी बुरे हैं, बट उनके जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं और जो वो काम करते हैं नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे
वो बहुत स्ट्रांग है, वो तगड़े हैं। जो वो अपना एक डिसीजन ले लेते हैं, चाहे उनकी फौज हो चाहे आवाम हो, वो फिर एक बेस पे आ जाते हैं अंदर, चाहे जितनी मर्जी उनकी लड़ाई हो। मेन यूके को हटाने का यही मकसद था कि यूके ने पिछले 10 सालों में कुछ इस तरह का काम नहीं किया कि जो उनको समझा जाए कि नहीं ये इसमें अहल है, ये रहने चाहिए। वीटो देखें, वीटो होता क्या, मेन हमें ये समझना चाहिए कि वीटो का मीन्स क्या है, ये क्या चीज़ क्या है, वीटो का मतलब क्या है। अक्सर वहाँ हमारी वीटो को समझती नहीं कि वीटो है क्या। देखिए, वीटो एक इस तरह की चीज़ है कि वो किसी भी, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये यूनाइटेड के एक उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, ये किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यूनाइटेड का मतलब, अब इन मुल्कों का मकसद क्या होता है एक पेज पे, यानी कि जब भी इन्होंने किसी मुल्क के साथ कुछ भी करना है, ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उनके साथ तजारत, उनके साथ फंडिंग, उनके जो भी है वो सब कर देंगे। यानी कि अगर तो देखा जाए एक हिसाब से अच्छी चीज़ भी है, अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यानी कि एक बंदे की लड़ाई की वजह से सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उस मुल्क को मखलूज कर दिया जाएगा माली तौर पे, तजारती तौर पे, वो बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इनके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। बट मेन जो आपका सवाल ये था कि जी हाँ, इंडिया को अब आ जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, उनके देखें कुछ मामला ख़राब भी हैं, जैसे कि कश्मीर का है मामला उनके है, उनके अपने मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो बहुत है। ये एक ये हमें एज ए मुस्लिम हमें बड़े इरिटेट करते हैं ये वाक़ियात, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही नहीं समझा जाता इन चीज़ों को। इंडिया डिजर्व करता है, आप डिजर्व करता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सोच के एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम नहीं उनको हम ये चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बनेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल ये कुछ भी नहीं, वो कहते नहीं मुस्लिम का इमेज ख़राब किया हुआ है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात को नहीं माना जाता। देखिए, मुस्लिम का जो एक इमेज था 2000 से पहले, अब से वो बड़ा डिफरेंट हो गया, तालिबान की वजह से, दाइश की वजह से, ठीक है, कुछ सिपा सलाह इस तरह के काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया। फिर अब इसराइल हमास की जंग चल रही है, तो यहूदियों ने यहूदियों को पावर में देखना चाहेंगे, वो एज ए मुस्लिम नहीं देखना चाहेंगे। बट अगर हम इंसानियत और मुल्क की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चला गया। सर, इंडिया का पहले ही आप स्टेटस देखें, अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है, तो इंडिया का स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिरी बात है वीटो पावर एक बड़ा तगड़ा स्टेट है। वो देखें, अभी उनके पास 50% एक पावर है, फिर 100% हो जाएगी। लेकिन देखें, हाथी के पास ताकत होना ये तो हमने सबने सुना है, लेकिन हाथी जब मदमस्त होगा तो वो फिर काम ख़राब है। अगर तो इंडिया पावर रख के अच्छा काम करेंगे जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ये ना कि वो पावर की आड़ में कोई नए से नया कोई मामलात खोले फिरें, ये फिर काबिल कबूल नहीं होगा। और ये हम नहीं, ये फिर यूनाइटेड नेशन और ये वीटो भी इस चीज़ को नहीं, नेटो नहीं करेगी कबूल, कि वो फिर ये भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जितना वो अब सपोर्ट करेंगे इंडिया को आना चाहिए, उससे डबल वो कहेंगे कि नहीं इंडिया को जाना चाहिए। ये जो गोरे यूके अपनी सीट छोड़ेगा, सवाल तो ये पैदा होता है कि यूके अपनी सीट क्यों छोड़ेगा? अगर देखें, यूके ना भी छोड़ेगा ना, अगर यूनाइटेड नेशन अगर छुड़ाना चाहेगी तो वो उसको छुड़ा सकते हैं। वो ये नहीं है, वो वोट लेके आया है। अगर जाहिर बात है इंडिया को वोट डल गए तो वो तो फिर यूके तो सिंगापुर समेत 167 कंट्रीज ये चाह रही है कि इंडिया आए सौदे पे। देखिए, अब आपके सवाल में ही जवाब है, जब इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने, जो कर लिया अब देखें यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज़ बा रोज़ बढ़ रहा है, अब दुनिया देखती है कि रोज़ क्या नया से नया आ रहा है। तो इस चीज़ में इंडिया, इस वजह से उनको एक टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज़ रोज़ अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है, आईटी में कर रहा है, कुछ गाड़ियों में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो रहा है। उनकी देखिए आबादी बहुत बड़ी है, 140 करोड़ आबादी है, उसको मैनेज करते हैं वो। बाहर के लोग देखते हैं यार कि 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, वो अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। देखिए, यही बात है ना, बाहर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और खुदगर्जी बड़ी होती है। देखिए, सपोर्ट करनी चाहिए बैक पे, हमारे जाते हैं जब मिस्टर इमरान थे तो उनका एक अपना एक स्टाइल था, एक उनका इमेज था बहुत तगड़ा बाहर का। इस तरह नरेंद्र मोदी है, उसका अपना तगड़ा इमेज नहीं है, लेकिन वो एक एज ए नेशन बड़ा तगड़ा काम करें जिसकी वजह से उसका इमेज बहुत तगड़ा हो गया। सिंगापुर समेत 167 कंट्रीज ये चाह रही हैं कि इंडिया के पास अब वीटो पावर आ जानी चाहिए, इंडिया ये डिजर्व करता है, लिहाजा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात की है कि यूके को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए और ये ओहदा इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया चाइना
अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या इंडिया ये सीट डिजर्व करता है? जी डिजर्व करता है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो डे बाई डे इंक्रीज ही हो रही है। तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इंडिया 100% ये सीट डिज़र्व करता है। जी आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा है कि इंडिया डिज़र्व करता है, तो क्योंकि उसकी जो है क्या कहते हैं डेवलप हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में हर उस पर है। अब उन्होंने जो है 10 मोटरवे मेट्रो उनके पास जो है उनकी चल रही हैं अभी इस टाइम, जो जबकि हमारे कंट्रीज़ में और बाकी कंट्रीज़ में भी जो है इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। जब से COVID-19 के बाद से हमारे जो है कंट्रीज़ में कभी इस तरह का डेवलपमेंट का वो नहीं आया। लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्या आप इस बात से खुश हैं कि इंडिया के पास वीटो पावर जा रही है? देखें मैम, इंडिया के पास जा रही है, देखें रीज़न यही है कि वो उन्होंने ट्राई की है, मेहनत की है और उन्होंने स्ट्रगल की है, तो उनकी गवर्नमेंट अच्छी है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, उन्होंने चेंज लाया अपने आप में। तो लिहाजा अगर हम भी अपने आप में चेंज लाएं और हम भी ट्राई करें कि हमारा कंट्री भी जो है ना बेस्ट हो, तो इसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी और उसको इस पॉइंट पे लाना पड़ेगा कि वो भी ये सीट डिज़र्व करे। सर ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 1947 में हम इंडिया से अलग हुए, हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया। आज वो मुल्क देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है कि 167 कंट्रीज चाह रही हैं कि इंडिया के पास वीटो पावर आ जाए। तो आप ये सोचें कि अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ गई तो इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? देखें उन्होंने मेन जो मैंने पहले भी बात की है, देखें उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया, आप ये देखें उनके गवर्नमेंट ने कितना उनके साथ और यहाँ तक कि उनकी आवाम ने उनके साथ कितनी जो है कोऑपरेट किया है, ठीक है, आप उस चीज़ को देखें। और बाकी जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कितना फैसिलिटीज़ दी हैं और डिफरेंट मतलब उन्हें हर जगह पे आपको मतलब आवाम के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा उन्होंने अपनी आवाम को बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ा फैसिलिटेट किया है। स्टूडेंट्स को आप देखिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिए हैं, रोज़गार के मौके दिए हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं मिल रहे हैं आवाम को। आप देखें कि हर साल कितनी यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, यही रीज़न है। बिल्कुल देखें जी, मैं बोलना चाहूँ, देखें ना हमारा पाकिस्तान का हर स्टूडेंट का मोटिव ये कि हम बाहर चलना चाहते हैं। जी इंडिया जो है, इंडिया इस चीज़ को डिज़र्व करता है। उनके आप बिजनेस मैन देख दें दुनिया में, उनके बिजनेस मैन एट द वन ऑफ द टॉपेस्ट बिजनेस मैन में आते हैं और इंडिया काफ़ी पढ़े, ये जो हमें बात करवाई जाती है ना कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है वो है, ये हमें एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ समझाई जाती है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, इंडिया बहुत आगे जा रहा है और वो जो हमारी राइवलरी है वो दूसरी साइड पे है, लेकिन एज अ नेबर अगर इंडिया आगे जाता है तो इस चीज़ का हमें भी फ़ायदा हो सकता है। देखिए ना, हमें ये बताया जाता है कि इंडिया में गुर्बत बढ़ी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। आज देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं और हम बैठ के सिर्फ शक्ल देख रहे हैं या फिर हम कश्मीर पर बात करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए एंटी मुस्लिम के तौर पर वो अब वोट ले रहे हैं, हिंदुओं से वोट ले रहे हैं, जिस तरह वोट ले रहे हैं वो एक इनका पोलिटिकल कैरियर है और इस तरह सियासत में चलता है। हमारे पाकिस्तानी भी तो कितने ये करते हैं ना, ये कभी जब क्या करते हैं, जब स्पीचेस कर रहे होते हैं तो सब एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, बाद में सारे इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं। हमें 70-78 साल सिर्फ यही बात बताई गई, यही बात पढ़ाई गई हमारे बच्चों के दिमागों में, यही बात नक्श की गई कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने इतनी जंगों में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। आज इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेम्बर बनने जा रहा है और हमारे दिमाग देखे वहीं पर ही मौजूद है, हमें वही समझाया गया, वही पढ़ाया गया, हमें दुश्मनी सिखाई गई और आज वो देखें कि दुश्मनों को दोस्त बना रहे हैं और दोस्तों को साथ लेकर कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल इंडिया ऐसे डिज़र्व करता है ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट होना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उनकी ग्रोथ, उनका मेन चीज़ उनकी यूनिटी है वहाँ पे, चाहे नरेंद्र मोदी मुस्लिम के खिलाफ है मगर वहाँ के जितने भी हिंदू कम्युनिटी है, बाकी कम्युनिटीज़ भी और मुस्लिम कम्युनिटी भी मिलके है वहाँ पे, उनको वोट जाता है 80% 85% उनको वोट बैंक मिला अभी रिसेंट इलेक्शन में भी। तो ये चीज़ दिखाती है उनकी यूनिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो है लोन, वहाँ पे वो उन्होंने कब से बाइकॉट किया, बंद किया हुआ कर्ज़ा लेना, बाकी मुल्कों के डिपेंडेंट नहीं रहना। यहाँ पे हम पाकिस्तान में ये है कि कर्ज़ा लेना है, उस कर्ज़े को ताने के लिए दोबारा कर्ज़ा लेना है, ऐसे हम कर्ज़ा लेते 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 हम पे चढ़ता जा रहा है।
सर, पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मकरूज है। इंडिया में कर्जा लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इवन के वो दूसरे मुल्कों को कर्जा देते हैं। आप देखें कि जितने मुल्क हैं जो अंडर डेवलप हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बजट अनाउंस किया ना 2024-25 का, इसमें उन लोगों को जो है डोनेशंस दिए हैं, उनके हिस्से दिए हैं। जैसे हम बांग्लादेश की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, उन्हें उन्होंने एक फिक्स अमाउंट दी है ताकि वो अपने मुल्क में डेवलपमेंट कर सके। और हम देखें, हम हाथ फैलाने से बाज ही नहीं आ रहे, हमें एक ही काम आता है, हमने भीख मांगनी और पैसे मांगने। ऐसे ये जैसे बताया जाता है कि हमें भी के पाकिस्तान में ना पॉपुलेशन रेट इंडिया के मुकाबले बहुत कम है, हमारे पास लैंड भी बहुत कम है, तो इस वजह से ना हमारे पास उतनी वो होता है ना विल पावर, मैन पावर हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो कि आके इनोवेशन पे या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्मॉल बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि ज़्यादा मसला इंडिया को होना चाहिए, उनके पास इतना भरे मुल्क है, इतने ज़्यादा वहाँ पे वो सूबे हैं, वहाँ पे उनके अपने इतने सारे, वहाँ पे उनको मुश्किल ज़्यादा है हमसे। यही तो मसला है ना कि हमें मिसगाइड किया जाता है, हमें ये बताया जाता है भाई इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, भाई आपसे चार सूबे संभाले नहीं जा रहे, वो इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे हैं, अपनी आवाम को एजुकेट कर रहे हैं। आप वहाँ पे आईटी का मेयार देख लें, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स लगाए जाते हैं, सऊदी अरेबिया यूएई उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए कितने अरसे से हम सऊदी अरेबिया के जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। पहले उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके मुल्क में बिज़नेस जो है खुद डिवेल्प करेंगे। ना पैसा आया और ना ही बिज़नेस आया। ऐसे ही है, इसमें भी नहीं ये है कि वहाँ के जो आपने जो बताया कि उनका आईटी का वो मियार इतना भर के, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जो के गूगल में जाके वहाँ पे सीईओ हैं इंडियन सारे, हर बड़े अमेज़ॉन में उनके सीईओ हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब यह कि स्टडी का मियार भी एक तो इतना ऐसा है नहीं ना, हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स के आईटीज के हैं हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखते हैं ना कि जब भी हमारे कोई लेक्चर वगैरह चल रहा है तो कोई काम आ रहा है तो हम इंटरनेट पर देखते हैं, सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं और वो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो उनके वहाँ के कॉलेज लेवल के स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो हम यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं। सर, पाकिस्तान में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन प्रोफेसर की बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, इंडियन प्रोफेसर हम आज ही हम एक पढ़ के आ रहे हैं, हमें एक नई बुक साइन हुई है, नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें इंडियन प्रोफेसर की बुक है। बुक भी नहीं अगर देखा जाए तो, मगर एक किस्म का ना हमारा स्टडी का मेयर अच्छा होना चाहिए, रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे मैट्रिक में मैं रट्टा पढ़ के नंबर लेके आ गया हूँ, FSC भी करके रट्टा नंबर लेके, अब प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। हाँ, प्रैक्टिकली जब आने पर आते हैं तो प्रैक्टिकल में भी हमारे यहाँ बस चलते हैं 3-3 महीने 6-6 महीने इंटर्नशिप करो, उसके बाद 20,000 की नौकरी मिलती है। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल, इंटर्नशिप पे भी इनफैक्ट नहीं रखते वो इंटर्नशिप पे भी कहते हैं आपको जरूरत नहीं, पहले आप एक्सपीरियंस लेके आओ 2-3 साल का, भाई कहाँ से लाएं नौकरी वगैरह लेने के लिए जाएं। इंटर्नशिप के लिए भी वो कहते हैं आपका CGPA अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, तो बस। अब ये बताएं, मैं मानती हूँ पाकिस्तान के यूथ के, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के बड़े दुख हैं जो हमारी गवर्नमेंट से हल नहीं हो रहे। क्या हमारा हमसाया मुल्क भारत डिजर्व करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना? ऐसा पाकिस्तानी अगर वो बन जाते हैं तो आपको खुशी होगी? ऐसा पाकिस्तानी तो मुझे बहुत चुभन होगी वैसे तो, कि हमारा साथ ही अलग होने वाला मुल्क, हमारे वो भी बहन भाई हैं, नहीं हमारे जैसे ही हैं, हम भी वहीं से ही हैं, एक किस्म के सब लोग एक जैसे ही हैं वहाँ पे भी, तो वो लोग इतना आगे जा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, उनमें है तो सही ना, उनमें कोई ऐसी आइडियोलॉजी है, वो किस आइडियोलॉजी पे चाह रहे हैं हमें पहले वो देखना है हमने, कि वो किस आइडियोलॉजी पे चाह रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक हमने भी अपने आप को देखना। ये चीज़ नहीं होती कि कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको खींच के नीचे लाना है, हमने खुद उसको देखना है वो किस चीज़ से ऊपर जा रहा है, तो हमने उसके साथ ही ऊपर जाना है। और इसके मेन हल यही है कि आप तजारत उनके साथ लाजमी रखें, अपनी तजारत खोलनी चाहिए, मगर यह है कि वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए। ये भी नहीं कि हम खुद कहते हैं, हम खुद नहीं कहते, वो उनकी भी तरह से रिस्ट्रिक्शन है, हमारे आर्टिस्ट वगैरह हो गए, आर्टिस्टों को जाने नहीं देते वहाँ पर, हमारी डिफरेंट वीज़ा से बैन है वहाँ पर, हम वीज़ा लेके कोई टूरिस्ट वीज़ा पर भी नहीं जा सकते। हमें अगर इंडिया जाना है तो पहले यहाँ से हम दुबई जाएंगे, दुबई या किसी सिंगापुर, वहाँ से हम इंडिया जाएंगे। मोहब्बत दोनों तरफा होती है, जो कहते हैं ना मीम है कि दोनों तरफ से होती है, तो इंडिया को भी चाहिए कि वो भी अपनी वो भी करें, देखें आगे, मगर उनको सारी बात, अब उनकी इकोनॉमी ऊपर है, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो ऊपर है हम नीचे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि हम ऐसा आगे कोई ट्रेड वगैरह करें, हम ऐसा कुछ करें, तो हमें अब ये है कि हमने उनके देखें, उनकी आइडियोलॉजी क्या, उनका मेन मकसद क्या, मेन चीज़ें क्या है, वो कैसे हैं, उनको लेके चलना है। सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि दी ग्रेट ब्रिटेन अब दी ग्रेट नहीं रहा, लिहाजा उन्हें अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जो है वो छोड़ देनी चाहिए, और ये अहदा
इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा पावरफुल मुल्क बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे? अगर ये ओहदा इंडिया को परमानेंटली मिल जाता है तो इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है? ऑब्वियस ऐसा है कि अगर तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर रीज़न है, और वो रीज़न उनकी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है। क्योंकि अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं और दूसरे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं तो वो ग्रोइंग फेज के अंदर है। इट मींस कि अगर वो इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं तो वो हर लिहाज से स्टेबिलिटी है उनके, इवन के चाहे बिजनेस सेक्टर आप उनका देख लें, उनकी इंडस्ट्री देख लें, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो ग्रोइंग फेज़ में है। अब अगर हम उसके कंपैरेटिवली अपने मुल्क के हालात को ऑब्जर्व करते हैं तो वी आर फेसिंग एन एडवर्सल कंडीशन राइट नाउ। ना इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऑब्वियस ऐसा है कि अगर इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कंपेटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओबियस अगर वो कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई तो चीज़ है जो उस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। अब अगर हम बात अपने कंट्री की करें तो हमारी जो कंडीशंस है राइट राउ, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना सोशल अवेयरनेस है। तो इन हालात में अगर मैं अपने एज अ एंटी यानी इंडिया को मैं यही कंसीडर करूँ एंटी पाकिस्तानी, तो डेट विल नॉट बी फेवरेबल फॉर अस। बिकॉज क्योंकि जो भी है हम एक ही सन में यानी कि एक ही ईयर में हम लोग आज़ाद भी हुए, आज़ादी भी ली, लेकिन वो अपने इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की वजह से और प्रोग्रेस की वजह से हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर तो इंडिया डिजर्व करता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसको मेरा ख्याल है खुश होना चाहिए कि चले हमारा हमसाया मुल्क भारत एक इतने बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। वट एवर दे आर डिजर्विंग, they are deserving because they are making progress by leaps and bounds. Or there are a lot of rules and regulation, and there is an implementation of law as well. Even their education standard is too much high. While people are socially very active, their each and every industry is growing still now. But we are facing an adversarial condition right now. लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो इस पर हैं वो इनसिक्योरिटी जो है वो फील कर रहे हैं और शो भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है, तो वो अपने ओहदे का अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, शायद पाकिस्तान के ही खिलाफ। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। एज अ पाकिस्तानी मैं तो बिल्कुल, मेरी एक एम्बिशन होगी कि हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर आना चाहिए, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बेसिकली ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रूल्स एंड लॉ। तो अगर एज अ पाकिस्तानी मैं सोचूँ तो दैट विल नॉट बी फेवरेबल फॉर अस। बट ग्लोबली वाइज जिस तरह की उनकी कंडीशन जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो राइट नाउ they deserve whatever they are trying to show in front of the world. लेकिन फिर भी as a Pakistani मैं ये चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कानून की implementation बहुत ज़रूरी है, economically stability बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और rules and regulation अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह तरक्की की राहें जो है वो उसका सफ़र तय करेगा।